मेरठ में बकरीद पर शर्मनाक हरकत, डेयरी में भारी मात्रा में मिला गोमांस, कुर्बानी के नाम पर हिंदुओं के आस्था पर वार। आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ बेशरम लोगों ने हिंदुओं की आस्था पर वार करने की कोशिश की है। मेरठ में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी देने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मौके से गाय का अवशेष और मीट भी कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मेवगढ़ी का है। मेवगढ़ी मस्जिद नगर में परवेज गाजी का मकान है। मकान में परवेज ने डेयरी बनाई हुई है और डेयरी में करीब 20 से 25 भैंस और गायें हैं। सोमवार को बकरीद होने के चलते परवेज ने अपने नौकर और परिवार के लोगों के साथ मिलकर डेयरी में गोवंश की कुर्बानी कर दी। पुलिस ने आरोपी परवेज को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परवेज का नौकर शाहिद और परिवार के लोग मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस गाय की कुर्बानी से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है ये लोग डेयरी के आड़ में गोकशी करते हैं। परवेज पर पहले भी गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उसने गाय की कुर्बानी नहीं दी है, वो गोकशी का आरोपी रहा है। वहीं सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस को डेयरी की आड़ में कटान की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मीट और गाय के अवशेष बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। मीट का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।